हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में कंप्यूटर नेटवर्क का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग। तो आज का टॉपिक है आपका, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, कितने टाइप के ये होते हैं, हर एक टाइप को हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर वे में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। एंड अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पर भी ये पूछता है इनसे रिलेटेड, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट आपका आया है वो मक्स डीमक्स, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहां पर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर ये चीजें होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है या एक्सेस होता है वो उसी मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ही होता है। उन्हीं को हम लोग मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंबाइन दी एंड सेंड दी मल्टीपल डेटा स्ट्रीम ओवर अ सिंगल, एक सिंगल मीडियम पे जब आप मल्टीपल डेटा स्ट्रीम के थ्रू डेटा जो है सेंड एंड रिसीव करते हैं तो वो आपका मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहलाता है। सेंड करने की प्रोसेस तो मल्टीप्लेक्सिंग होती है एंड उसे कंबाइन करना जो होता है वो डी मल्टीप्लेक्सिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम इज नोन एज अ मल्टीप्लेक्सिंग एंड द हार्डवेयर कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लेक्सिंग होता है। जो हार्डवेयर हम लोग यूज करते हैं उसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग अचीव बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, मतलब जो मल्टीप्लेक्सिंग आपकी परफॉर्म होती है वो मक्स के थ्रू होता है, जिसे हम लोग मक्स बोलते हैं। दैट कंबाइन एन इनपुट लाइन टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन, ये क्या करता है एन इनपुट लाइन को, जैसे यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो ये मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पर एन इनपुट लाइन है, 1 2 3 एन नंबर ऑफ लाइन है, इन सबको कंबाइन करके उसने क्या है एक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट। तो इसमें आपकी क्या होती है एन इनपुट लाइन टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन, एक सिंगल आउटपुट लाइन होगा। मल्टीप्लेक्सिंग फॉलो मैनी टू वन, ये जो फॉलो करता है आपके कॉन्सेप्ट को मैनी टू वन के कॉन्सेप्ट को, यानी एन इनपुट एंड वन आउटपुट ये आपका आउटपुट में रिटर्न करता है। देन इसके बाद जब आपका डी मल्टीप्लेक्सर के एंड पे वन इनपुट होता है और मैनी आउटपुट इसमें आपके जनरेट होते हैं, तो मैनी आउटपुट आपके क्या हो सकते हैं जनरेट हो सकते हैं। जैसे आप देखते भी होंगे आपने एक मल्टीप्लेन चार्जर जो होता है आपका, तो आप एक कनेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे सब चार्जर आप लगा सकते हैं, तो वो डी मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है, एक इनपुट और बहुत सारे आपके आउटपुट उसमें जनरेट होते हैं। सो डी मल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सिंग जो अचीव होता है वो डीमक्स के थ्रू होता है। अवेलेबल एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड पे ये अवेलेबल होता है। डीमक्स सेपरेट अ सिग्नल इन टू अ कंपोनेंट सिग्नल, ये सेपरेट कर देता है आपके एन इनपुट जो भी आपके वन इनपुट आपने इनपुट लिया है और मल्टीपल आउटपुट आपके यहाँ पर क्या होते हैं रिटर्न ये करता है आपका। तो डी मल्टीप्लेक्सर सेपरेट अ सिग्नल इनटू अ कंपोनेंट सिग्नल, वन इनपुट एंड एन आउटपुट आपके होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट डी मल्टीप्लेक्सर फॉलो द वन टू मैनी अप्रोच, ये वन और मैनी अप्रोच को क्या करता है आपका फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग की हिस्ट्री क्या है आपकी। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज वाइडली यूज इन, ये मेनली यूज होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन पे, यानी मोबाइल फोन पे आप जो टेली आपके सिग्नल आते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ही होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, टाइम डिवीजन में डिवाइड होते हैं आपके सिग्नल, वो कैसे वर्क करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग ओरिजिनेटेड इन टेलीग्राफी इन दी अर्ली 1870 में ये आपका डेवलप हुआ था एंड वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन, अभी जो हम लोग यूज करते हैं इसका वो आपका हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे आपके जो टेलीफोन लाइन के जो सिग्नल होते हैं वो इसी वे में आपके वर्क करते हैं कि आप किस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के थ्रू अपने सिग्नल जो है सेंड एंड रिसीव करें, या तो आप FDM के थ्रू करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू करेंगे, या वेवलेंथ डिवीजन के थ्रू करेंगे, या आप टाइम डिवीजन के थ्रू उसको जनरेट करेंगे। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग द एन इनपुट लाइन, इसमें एन इनपुट लाइन होती है और आपके मल्टी वन आउटपुट जनरेट करेगा वो मल्टीप्लेक्सर होता है, एंड वो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है आपका वन इनपुट आपका डी मल्टीप्लेक्सर में जाएगा और मल्टीपल आउटपुट आपके जनरेट होंगे, वही आपका कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सिंग का। दी कंपोजिट सिग्नल इज पास थ्रू अ डी मल्टीप्लेक्सर, हाँ डी मल्टीप्लेक्सर पर वो जनरेट होगा और मल्टीपल आपके आउटपुट जो है वो जनरेट होंगे, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो वो होता है आपका मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंड ओवर अ सिंगल मीडियम, एक मीडियम पे आप एक से ज्यादा सिग्नल क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम कैन बी यूटिलाइज एफिशिएंटली, मतलब उसकी बैंडविड्थ को आप क्या करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू
यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तो आपका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर जनरेट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका मल्टीप्लेक्सिंग का, कैसे ये वर्क करता है, क्या आपका मल्टीप्लेक्सिंग होती है। सिंपल मल्टीप्लेक्सिंग का ये है कि आपके जो सिग्नल आप सेंड करें वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आप सेंड करें या डिफरेंट वे में आप सेंड करें और कंबाइंड एंड पे आप क्या करें, एक सिग्नल उसमें जनरेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं आपकी, वन बाय वन हम सारी टेक्निक को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।